हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेचर एडवाइजर। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, वीडियो में जो पौधा आपको दिखाई दे रहा है यह समी वृक्ष है। तो आज के वीडियो में हम समी वृक्ष के आध्यात्मिक, पौराणिक एवं आयुर्वेदिक महत्व की चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पौराणिक मान्यताओं के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुछ पेड़ पौधों को घर में लगाने व उनकी उपासना करने से घर में खुशहाली बनी रहती है, घर में सदैव लक्ष्मी का वास होता है। उनमें से एक है समी वृक्ष, जो घर में समृद्धि प्रदान करता है तथा देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। समी के पेड़ की पूजा करने से घर में शनि का प्रकोप कम होता है। घर में समी का पौधा लगाकर पूजा करने से आपके कामों में आने वाली रुकावट दूर होती है, ऐसी पौराणिक मान्यता है। इसके साथ ही साथ समी वृक्ष की लकड़ी को यज्ञ की वेदी के लिए पवित्र माना जाता है। अगर बात करें आध्यात्मिक महत्व के बारे में तो नवरात्रि में माँ दुर्गा का पूजन समी वृक्ष के पत्तों से करने का विधान है। गणेश जी और शनिदेव दोनों को ही समी का वृक्ष बहुत ही प्रिय है। दशहरे के दिन समी के वृक्ष की पूजा करने की परंपरा भी है। पीपल और समी दो ऐसे वृक्ष हैं जिन पर शनि का प्रभाव कम होता है। पीपल का वृक्ष बहुत बड़ा होता है, अतः इसे घर में लगाना पॉसिबल नहीं है। तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से नियमित रूप से समी वृक्ष का पूजन करने से और उसके नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि दोषों और उसके कुप्रभावों से बचा जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं समी वृक्ष के आयुर्वेदिक गुणों के बारे में। आयुर्वेदा की दृष्टि में समी को अत्यंत गुणकारी औषधि मानी गई है। कई रोगों में इस वृक्ष के अंग काम करते हैं। आयुर्वेद ने मानसिक विकार, श्वसन पथ के संक्रमण, अत्यधिक गर्मी, दाद, ढीली गति, ल्यूक्रोहैया जैसे अनगिनत रोगों के उपचार में इसकी इस्तेमाल की सलाह दी है। समी की छाल से घाव, स्टामाइटिस का इलाज करते हैं। छाल का पाउडर गले और दांतों के दर्द में और बाहरी अल्सर को ठीक करने में प्रभावी माना गया है। समी के बीज रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में सहायक होते हैं। समी के छाल का काढ़ा का इलाज बुखार, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और पित्त और वात दोषों को दूर करने में किया जाता है। इसके छाल का उपयोग गठिया और बिच्छू के डंक के इलाज में किया जाता है। समी की पत्तियों का काढ़ा आंतों के कीड़े और कुष्ठ रोग के उपचार में प्रभावी मानी गई हैं। समी के फूल को चीनी के साथ मिश्रित करके खाने से गर्भवती महिलाओं के गर्भपात को रोकने के लिए सहायक होता है। राजस्थान में समी की फली को सब्जी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। आँखों के इलाज में भी इसका प्रयोग है। ताम्र के बर्तन में शंख को दूध से घिस लें, इसे घीयुक्त जौ तथा समी के पत्तों की धूम दिखाकर आँखों में लगाएं। ऐसा करने से आँखों का दर्द ठीक हो जाता है। एनीमिया के पेशेंट भी समी के वृक्ष का फायदा उठा सकते हैं। समी के नए कोमल पत्तों का पेस्ट में लगभग 1-2 ग्राम में मिश्री मिला लें और इसके सेवन करने से एनीमिया रोग में लाभ होता है, क्योंकि ये खून की मात्रा को बढ़ाता है। इसके अलावा डायबिटीज और गले के रोग में भी यह प्रभावी माना गया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको कुछ नई जानकारी दी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच।